So this is the final lab for NEET 2018, for which we have invited all of you. There are two purposes for which we are meeting over here. One is to give you the final strategy for preparation of NEET. आपके पास almost exactly एक महीना है, I think almost नहीं. तो इसे exactly एक महीने में अपनी strategies क्या होनी चाहिए? क्योंकि एक bottom line बता देता हूँ, if we specifically talk about NEET 2018, this is just a game of confidence. जैसे किसी भी गेम को खेलने के लिए अगर आप गेम खेलने जा रहे हो फाइनल प्लेग्राउंड में रिंग में, अगर उससे पहले डरे हुए हो या घबराहट है तो आप ये मान लो कि 50% तो आपकी प्रोबेबिलिटी हारने की पहले से हो जाती है, और अगर कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है तो जीतने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती चले जाती है. लेकिन सिर्फ कॉन्फिडेंस से कुछ नहीं होता, वो सब जानते हैं अपन. सिर्फ कॉन्फिडेंस कुछ नहीं कर सकता. सो अगर तुम लोगों ने ओलंपिक मैचेस देखे हों, क्रिकेट मैचेस देखे हों, फाइनल्स देखे हों, तो जो प्लेयर्स होते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल दिखता है, लेकिन साथ में बैकएंड प्रिपरेशन होती है. सो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ आप सबकी प्रिपरेशन के लिए, स्पेसिफिकली नीट को लेके, कि आप लोगों ने जैसे भी अपना सिलेबस किया, जिस लेवल तक आए हैं, अगर ये फाइनल लैप में एक महीने में अपने कॉन्फिडेंस को सिस्टमेटिक तरीके से मेंटेन करें, बरकरार करें और अपने आप को बूस्ट रख सकते हैं, तो आई थिंक इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है. मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं जिनके एवरेज हमारे इंटरनल टेस्ट में परफॉर्मेंस फ्लक्चुएट करती रही, लेकिन लास्ट के एक महीने के बाद जो फाइनल नीट का स्कोर आया उसके आसपास का स्कोर भी कभी साल भर में यहाँ के इंटरनल टेस्ट में नहीं आया था. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि इंटरनल टेस्ट जब होते रहते हैं क्लासेस भी चलती रहती है, प्रेशर भी मेंटेन रहता है, फिर टेस्ट के बाद वापस डिस्कशन, सिलेबस कवरेज, ओवरऑल रिवीजन, बहुत सारी चीज़ें साथ चलती हैं. तो जो इंटरनल टेस्ट होता है उनका पर्पस होता है अपने जो पढ़ाई कर रखी है, जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, उन चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से हम रिव्यू कर सकें, एनालाइज कर सकें कि हमने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है. और ये जो फाइनल नीट है जिसके पहले एक महीने का गैप आपके पास है, या बाकी अभी पहले भी गैप था, तो क्या कभी एलन के इंटरनल टेस्ट में ऐसा कोई गैप मिला? दैट वाज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, वो मिल ही नहीं सकता था. सो ये मान के चलो कि जो पास्ट आपकी परफॉर्मेंस का रिफ्लेक्शन है वो एक अलग चीज़ थी, जो आने वाला टाइम है वो अलग चीज़ है. एंड यू मस्ट बी वेरी केयरफुल. उल्टा भी होता है, कई स्टूडेंट्स इंटरनल टेस्ट में बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं, फाइनली नीट में ऐसा स्कोर आता है जो उसके आसपास भी नहीं होता. दोनों बातें सही हैं. जो मैंने लाइन बोली वो वही लाइन थी जो पहले बोली थी, बट सेंस अलग था. सो इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. तो किसी भी गेम को खेलना है कॉन्फिडेंटली तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है उसके रूल्स का आइडिया होना चाहिए. अच्छी तरह से रूल्स पता हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि हमसे गलती नहीं होगी. अगर उस गेम के सारे दांव पेच स्ट्रेटजीज पता हैं और हमारी स्ट्रेंथ भी पूरी है या डिसेंट है, तो वो चीज़ें और अच्छे से इम्प्लीमेंट होती हैं. बॉक्सिंग के किसी भी फाइनल मैच में दो बॉक्सर हैं तो वो बॉक्सर ज़रूरी नहीं है जीतेगा जिसकी बॉडी में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जिसकी प्रैक्टिस ज़्यादा है. हो सकता है किसी की बॉडी में स्ट्रेंथ कम है, प्रैक्टिस भी थोड़ी कम है, लेकिन उसकी स्ट्रेटजीज इतनी स्ट्रांग है, उसने पिछले 15 सालों के मैचेस के फाइनल्स देखे हैं. प्लेयर्स बाहर से बैठ के देखने पे पता चलता है जीतने की स्ट्रेटजी क्या थी, क्या सोच के खेला, कैसे खेला, और वो सारी चीज़ें दिमाग में हैं तो हम बहुत अच्छा स्कोर हिट कर सकते हैं. इस वक्त कई स्टूडेंट ऐसा सोच लेते हैं, हमने साल भर इतनी प्रैक्टिस नहीं करी या नहीं कर पाया, जो भी गलतियां हो गई और अब तो हमारा कुछ हो नहीं सकता. कई बार कुछ टीचर्स भी बोल देते हैं, आई एम सॉरी टू से, कई बार ऐसा होता है टीचर्स भी कहते हैं तुमने तो ये चैप्टर्स की प्रैक्टिस ही नहीं करी, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता. मैं बिल्कुल उसका अपोजिट कह रहा हूँ. अगर आपकी प्रैक्टिस कम है, तैयारी डिसेंट है मगर 100% नहीं है, लेकिन ये एक महीना अगर हम तरीके से प्लान आउट करें, जो तैयारी की है उसी को स्ट्रेटेजाइज करके फाइनली हिट करने के लिए, तो आप उस स्टूडेंट को तो कम से कम पीछे छोड़ सकते हो जिसने 100% सिलेबस किया और फुल प्रैक्टिस करी है, लेकिन जिसने कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी लूज करी.
मैं नहीं कह रहा कि किसी का 75-80% सिलेबस हुआ है, प्रैक्टिस कम है, वो ऑल इंडिया टॉप 10 तक पहुंच जाएगा. और टॉप 10 पहुंचना कोई पॉइंट भी नहीं है. अभी 3 दिन पहले एक मेरा सेशन था, जिस सेशन में मैंने एक बहुत कॉमन सी बात कही, बच्चों को भी मज़ा आया, पेरेंट्स भी थे उनको भी अच्छी लगी. व्हेन वी टॉक अबाउट एनी गेम, वेदर इफ वी टॉक अबाउट एन एग्जाम, 10th बोर्ड एग्जाम, 12th बोर्ड एग्जाम, 12th के साथ आपने नीट दिया, अभी फिर वापस से नीट दे रहे हैं कुछ स्टूडेंट. सो स्पेसिफिक पॉइंट इज, लाइफ में एग्जाम यहाँ खत्म नहीं होंगे. जब कंप्लीट होगा, नीट में सेलेक्ट हो जाओगे, किसी कॉलेज में जाओगे, सेलेक्ट नहीं हुए तो भी घर थोड़ी बैठे रहोगे, फाइटर बनना है, फाइट करके आगे बढ़ना ही है. लाइफ में किसी और स्टेज में जाएंगे, फिर कंपटीशन आ जाएगा. हॉस्पिटल्स में जॉब करोगे तो जॉब में भी कंपटीशन है, सब जानते हो. जॉब में भी सीनियर्स के साथ लाइजनिंग, अलग अलग तरह की सिचुएशंस, बहुत सारी स्ट्रेटजीज तब भी काम करती हैं. फिर कोई अपना हॉस्पिटल खोलना चाहेगा या कोई सोशल वर्क में जाना चाहेगा, वहां भी कंपटीशन है हर जगह. और हर एग्जाम, लाइफ का एग्जाम हो चाहे एकेडमिक एग्जाम हो, हर एग्जाम को फाइट करना है. और मैंने आज तक, यही बात मैंने 3 दिन पहले ही बताई, मैंने आज तक एक भी इंसान, स्टूडेंट नाम नहीं ले रहा हूं, एक भी इंसान, एनी ह्यूमन आई हैव नेवर सीन, और दुनिया में किसी ने नहीं देखा होगा, जिसने बचपन से लेके लाइफ की एंड तक के जितने भी एग्जाम है सब में टॉप किया और सबको क्लियर किया. कोई बहुत हाई परफॉर्मर है, उसकी ऑल इंडिया टॉप 100 में आने की इच्छा है, तो कोई जरूरी नहीं है लाइफ के हर एग्जाम में आप ऑल इंडिया टॉप 100 बना ही लोगे. कोई एवरेज स्टूडेंट है, वो अगर ऑल इंडिया टॉप 5000 में रैंक लाना चाहता है, तो लाइफ के हर एग्जाम में आप ऑल इंडिया टॉप 5000 में आ जाओगे, देयर इज नो अश्योरेंस. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू मस्ट मूव ऑन टू फाइट द नेक्स्ट स्टेप. और एक फाइट के अंदर जो हमने एनालाइज किया, उसके लिए पूरी की पूरी फोकस करें, उस पर पूरी एनर्जी के साथ हम स्ट्रेटजाइज करें कि हमसे क्या गलतियां हुई, उन गलतियों को हर स्टेज पर ठीक करें. आज हमारे सामने नीट 2018 एग्जाम खड़ा हुआ है, ठीक एक महीना हमारे हाथ में. इस एक महीने में हमको कुछ स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है. नेक्स्ट मैं 15 मिनट में अपनी पूरी बात खत्म कर दूंगा. उन बातों को अगर तरीके से समझ के आप अपने आप को अलाइन कर सकते हो, बहुत अच्छे लेवल पे हिट कर लोगे. जैसी भी तैयारी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इस वक्त हमको सिर्फ अपने आप को अलाइन करना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, दिमाग में टेंशन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये लाइफ का आखिरी एग्जाम नहीं है, इसके बाद कई एग्जाम्स होने वाले हैं. टेंशन रखोगे तो पूरी लाइफ टेंशन में ही रहोगे, ना अपने आप को संभाल पाओगे, अपनी हेल्थ संभाल पाओगे, फैमिली संभाल पाओगे, ना ही अपना प्रोफेशन संभाल पाओगे. सो बेटर है खुश रहें, और खुशी से जो कर सकते हैं उसको बेस्ट पॉसिबल तरीके से करें. सबसे इजी तरीका मेहनत से बचना नहीं होता, इजी तरीका ये होता है जो कुछ हो गया उसको समझ लें, और आने वाले टाइम में अपनी स्ट्रेटजीज बनाएं. स्ट्रेटजी इज सिंपली, अगर हिंदी में बात करूं, रणनीति. हमारी ऐसी रणनीति तैयार हो जाए कि जो कुछ किया है उसका बेस्ट पॉसिबल फोर्स हम लगा सकते हैं, और फ्यूचर के लिए हम प्रिपेयर हो जाएंगे. लाइफ का जो भी अगला एग्जाम है उसमें कमी नहीं आने देंगे. सो एक माइलस्टोन सामने, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं. नीट 2018 को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो इसका फॉर्मेट. पिछले 4 या 5 सालों के जो नीट के फॉर्मेट्स हैं उनके बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ, जो पहले ऑल इंडिया पीएमटी था, नीट रहा, फिर नीट हटा, फिर वापस नीट आ गया, ओवरऑल जो फॉर्मेट है वो मैं शेयर कर रहा हूँ. उस चीज़ को समझना ज़रूरी है. पहले मैं क्विकली शेयर करूँगा एज अ होल, उसके बाद तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए, फिर हम लास्ट में क्विकली शेयर करेंगे पेपर अटैम्प्ट स्ट्रेटजी. पेपर अटैम्प्ट की स्ट्रेटजी का बिल्कुल भी मीनिंग ये नहीं है कि पेपर अटेम्प्ट करने में पहले कौन सा सब्जेक्ट करें, बाद में कौन सा सब्जेक्ट करें. स्ट्रेटजी इज बेसिकली टू स्कोर एज मच एज पॉसिबल विदाउट एनी प्रेशर. बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, कई बार एग्जाम में इतना ज़्यादा स्ट्रेस बिल्ड हो जाता है, प्रेशर आ जाता है कि इजी इजी क्वेश्चन गलत होने लग जाते हैं हमसे. और ज़्यादातर ऐसा अच्छे स्टूडेंट के साथ होता है, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है उनकी अपने आप से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है कि हम बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन एग्जाम में कभी भी 2-3-4 क्वेश्चन में फंस गए, सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो एकदम से सब कुछ चीज़ें हाथ से फिसलती हुई दिखती हैं, और वो चीज़ें लूज होते होते
हमारे इजी इजी क्वेश्चन गलत होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो जो फिसल रही हैं चीज़ें वो इतना ज़्यादा प्रेशर और स्ट्रेस बिल्ड कर देती हैं कि वो वाली चीज़ें, हमारी एकेडमिक स्ट्रेंथ जो हमने इतने सालों से तैयारी करी है, वो सारी चीज़ें लूज होना शुरू हो जाती हैं। सो एनीवे, अगर अपन स्पेसिफिक बात करते हैं एज अ होल, ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ, ओवरऑल सबको पता हाउ मैनी क्वेश्चंस आर देयर, 180। बहुत क्लियर कट मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में रखो, आउट ऑफ 180, 155 से 160 जो आपके क्वेश्चंस होंगे, ये बेसिक थ्योरी और एप्लीकेशंस पे बेस्ड होंगे। मैं कहीं पे ये नहीं कह रहा हूँ कि बेसिक थ्योरी का मतलब क्वेश्चन ऐसे होंगे, ये होंगे बेसिक थ्योरी पे बेस्ड। अगर आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट फंडामेंटली क्लियर हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत आराम से कर सकते हो। या मैं अश्योर कर सकता हूँ कि अगर ये वाले क्वेश्चन जो आने वाले हैं आपको घर पे एज अ प्रैक्टिस शीट या रेस प्रोवाइड कर दिया जाए, तो शायद आप में से एक भी स्टूडेंट कोई डाउट नहीं पूछेगा। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 20 to 25, दीज आर आइदर बेस्ड ऑन लॉन्ग कैलकुलेशंस और हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, जो सबसे बड़े डिसीजन मेकर क्वेश्चंस होते हैं। प्रैक्टिकली अगर इन क्वेश्चंस को छोड़ ही दिया जाए और सिर्फ इनके ऊपर फोकस कर दिया जाए, तो एक बहुत अच्छा स्कोर बन सकता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। बट ये वाले क्वेश्चन पता है एक दूसरा रोल प्ले करते हैं, ये बीच में बिखरे हुए हैं सारे। कई जगह पे इनमें से 5 क्वेश्चन एक साथ सीरीज में, और वो गेम खेलते हैं हमारे दिमाग के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सारे होते जा रहे हैं, खुशी हो जाती है, एकदम से 4 नहीं हुआ, अटक गए। क्योंकि जब 4-5 क्वेश्चन लगातार सॉल्व हो जाते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फिर 5वें क्वेश्चन में जब हम फंस जाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं ट्राई करें, उसको होना चाहिए। लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा इस चीज़ को, स्पेसिफिकली इट हैपेंस इन फिजिक्स, कि जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो खटाखट सॉल्व कर दिया, हार्डली उसमें कितना टाइम लगता है, 20-25-30 सेकेंड 45 सेकेंड, 1 मिनट, 1 मिनट भी ज़्यादा कह रहा हूँ मैं। लेकिन सॉल्व करके आंसर निकला, चेक किया, देखा, अरे चारों में तो कोई भी ऑप्शन ही मैच नहीं था। और बहुत कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर दिया क्वेश्चन हमने। अब इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, बहुत कॉन्फिडेंटली सॉल्व करके आंसर निकला लेकिन चारों में नहीं है, तो अगली स्टेप क्या होती है, उसको चेक करेंगे। छोड़ के आगे तो नहीं जाओगे, कोई भी नहीं जाएगा, उसको चेक करेंगे। यहाँ सबसे बड़ा ब्लंडर होता है, तुम चाहो तो घर पे भी चेक करते टाइम, ऐसा कई बार अपनी एक्सरसाइज शीट में या घर पे प्रैक्टिस करते हो उसमें भी तो होता है, कॉन्फिडेंटली आंसर निकाला बट मैच नहीं कर रहा, तो मैं स्टॉप वॉच लेके मॉनिटर कर लेना, जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो ज़्यादा ज़्यादा 1 मिनट लिया होगा। लेकिन जब तुम चेक करते हो तो साइकोलॉजिकली स्पीड बहुत धीरे हो जाती है, बहुत केयरफुली धीरे 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 चेक करते हैं, री अटेम्प्ट करते हैं, कम से कम 2.5 से 3 मिनट लगते हैं उस क्वेश्चन को चेक करने में। गलती अगर मिल भी गई तो वो क्वेश्चन 3 मिनट चेक करने के और 1-1.5 मिनट पहले का, 4.5-5 मिनट खा चुका होता है। क्योंकि जब हम चेक कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल उतना हाई नहीं होता, इसलिए हम केयरफुल हो जाते हैं। किसी भी क्वेश्चन का सेकंड अटेम्प्ट जब हम लेते हैं, हमेशा साइकोलॉजिकली इट इज़ अ ह्यूमन एटीट्यूड कि आपकी स्पीड बहुत कम रहेगी, आप बहुत केयरफुली करते हो। और अगर फंस गए हो, ट्राई कर रहे हो, तो 4-5-8 मिनट कैसे निकल जाते हैं क्वेश्चन में पता ही नहीं चलता। प्रेशर लगता है जब, अरे घड़ी की सुई यहाँ से यहाँ तक आ गई, इतना टाइम बीत गया, तो फाइनली छोड़ो और आगे चलो। तो मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है सब लोगों को, पहली बार में अगर आंसर मैच नहीं हो तो उसमें मार्क करके आगे बढ़ जाओ, रिट्राई करो ही मत। मार्क जो करो क्वेश्चन को, वो इस तरह का करो जिससे पता चल जाए कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे को आता है, लेकिन जरा सी कोई मिस्टेक रह गई उसको मार्क कर दो, आगे चले जाओ, पेपर को खत्म करो पहले,
फिर जहां पे उसमें मार्क किया गोला लगा के मान लो टी लिख दिया, टी मीन्स ऐसा टैग जिसके अंदर हमको आता है जरा सी कोई मिस्टेक है, और जब पूरा पेपर खत्म करके टी वाले क्वेश्चन करोगे तो उसको दोबारा से केयरफुली सॉल्व करना 1 से 1.5 मिनट ही लेगा और वो सही हो जाएगा, लेकिन उस टाइम जब रीअटेम्प्ट कर रहे हो तो वो ज्यादा टाइम खाता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल, पहले पेपर निपटाओ, और पेपर में ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो लॉन्ग कैलकुलेशन है, या कहीं पे हाई थिंकिंग लग रही है, बाउंसर्स हैं जिनको देख के फाउंडेशन बिल्ड नहीं हो रही, प्रैक्टिकली बता रहा हूं, उनको ट्राई करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ के जहां पे फील हो, 25 में से 10 तो फिजिक्स में होंगे, 3 या 4 इसमें केमिस्ट्री में होते हैं, और 3, 4, 5 ही बायो में होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते, टोटल 20 से 25 क्वेश्चन है। जहां पे पढ़ के लगे, रीडिंग करने में तो 10 से 15 सेकंड लगता है क्वेश्चन को रीड करने में, इसी वजह से ज्यादातर स्टूडेंट पहले बायो निपटा देते हैं कि रीड करके खटाखट खत्म करें। ऑर्डर तुम जो चाहे रखो, लेकिन इन क्वेश्चंस को पढ़ते ही स्किप करो, क्योंकि जब हम स्किप करते हैं ना तो दिमाग पे प्रेशर बिल्ड नहीं होता। मान लो 1, 2, 3, 4 में अटके, छोड़ो 5th पे आ गए, 4 सॉल्व किया, आंसर मैच नहीं हो रहा, टैग लगाया, 5th पे आ गए, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 में पढ़ते ही लग रहा है ये तो दिक्कत करेगा, तो क्यों प्रेशर बिल्ड करें, छोड़ो। फिर 9 ये भी बड़ा लग रहा है, छोड़ो। 10 छोड़ो, 11 छोड़ो, 12, पता है इससे हो क्या रहा है? अगर आप पढ़ के क्वेश्चन छोड़ रहे हो, उसे पता है क्या हो रहा है? उसे बहुत बड़ा फायदा हो रहा है कि जब आपका पेपर खत्म होगा, उसके बाद का जो अवेलेबल टाइम है वो बढ़ता जा रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप क्वेश्चंस छोड़ रहे हो बीच में और कंफर्टेबली स्किप कर रहे हो, तो आप एंड में जो टाइम बच रहा है वो टाइम बढ़ा रहे हो अपना। अगर ट्राई कर रहे हो, ट्राई करने में टाइम दे रहे हो और उसके बाद छोड़ोगे, तो क्वेश्चन तो वो छूट गया, लेकिन बाद में जो टाइम बचना है आपके पास वो बहुत श्रिंक होके कम हो जाएगा। इसलिए बेटर है, और मैं फिर बता रहा हूं, जो भी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनकी परफॉर्मेंस लेवल ठीक है, उनके लिए बहुत मुश्किल काम होता है पेपर में क्वेश्चन को छोड़ना। और मैं वही चीज सिखाना चाह रहा हूं, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है वो अपना स्कोर स्काई हाइट पे शूट कर सकते हैं, अगर उनको छोड़ने की हैबिट बन जाए तो। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। इस क्वेश्चन को करने में मेरे 3-4 मिनट लग सकते हैं, इतना सब दिमागी क्यों लगाओ, इसको अभी करेंगे ना, पहले खींच के पेपर को तो निपटाएं। वंस यू रैप द पेपर, फिर टाइम इतना बचा हुआ, आप बचे हुए क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, अब वो चाहे किसी भी तरह क्यों। सो यू नीड टू प्लान। रूल नंबर 1, मैं टोटली 3 या 4 रूल्स बताऊंगा। रूल नंबर 1, पूरे पेपर को कभी भी सिंगल अटेम्प्ट में खत्म नहीं करना है, हमको पेपर के 2 या 3 अटेम्प्ट लेने हैं पूरे, जिस भी ऑर्डर में करो, सब्जेक्ट तुम्हारी चॉइस है, खत्म करते पहले बायो किया तो बायो रैप किया, फिजिक्स किया, केमिस्ट्री किया, फिर वापस बायो, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। नेवर प्लान इट कि मैं पूरा बायो खत्म करके फिजिक्स पे जाऊंगा या जाऊंगी, या फिजिक्स करके केमिस्ट्री पे जाऊंगी, ये एटीट्यूड नहीं रखना है, क्योंकि शुरू में आपको कॉन्फिडेंस हाई रखना है, जहां पे कंफ्यूजन है, रिस्क लेना है, वो स्किप द क्वेश्चंस, स्पीड में पेपर को खत्म करो। आप देखो, अगर बायो आप आधे घंटे में करते हो तो आपकी 20 मिनट में हो जाएगी, फिजिक्स में 1.5 घंटा लगता है तो वो 45 मिनट में हो जाएगी, केमिस्ट्री में अगर 1.25 घंटा आपको लग रहा है तो वो आधे घंटे में हो जाएगी। भले ही कुछ क्वेश्चंस, काफी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, लेकिन 1.5 घंटे में 3 घंटे की बजाय 1.5 घंटे, 1.5-2 घंटे में पेपर खत्म हो जाएगा। फिर आप क्या देखोगे, अच्छा अभी 1.25 घंटा बचा हुआ है और मेरे 70 क्वेश्चन बचे हुए, लेकिन एक हाई कॉन्फिडेंस है, 1.25 घंटे में 70 बचे हैं, लेकिन 110 में एक भी गलत नहीं है, वो इतना बड़ा कॉन्फिडेंस है कि आपके आगे गलती नहीं होने देगा। आप जो रखते हो पूरे शुरू से सारे सही करने का प्रेशर, वो अननेसेसरी स्ट्रेस बिल्ड कर देता है, और हम इन सारे क्वेश्चन को भी सही नहीं कर पाते। मैं तो ये कह रहा हूं, आप पूरा टारगेट और फोकस बना दो, 1.5 या 1.5-2 घंटे के अंदर 110 या 115 क्वेश्चन सही करने हैं, बाकी कुछ टच भी नहीं करना। आई थिंक सब कर सकते हो।
फिर लास्ट के एक या सवा घंटे के अंदर फोकस करो, 70 में से जितने ज़्यादा खींच पाओ 30-40 आराम से हिट हो जाएंगे। क्यों, हमने तो वो भी छोड़ दिए जो लंबे लग रहे थे और इजी थे, हमने तो टाइम बचाया अपना, और एंड में टाइम बचा तो जो छोड़े हैं उनमें सारे वो थोड़ी हैं जो हॉट्स वाले हैं, उनमें कई ऐसे भी हैं जो इजी भी थे, लंबे थे, हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा था। सो वी नीड टू बी केयरफुल, वी शुड नॉट बॉदर अबाउट इट। पेपर का रूल नंबर वन, चाहे जिस ऑर्डर में करो लेकिन 3 अटेम्प्ट लेना है। फर्स्ट अटेम्प्ट पूरा सब्जेक्ट को निपटाते हुए नहीं चलना है, पूरा पेपर निपटाया फिर दोबारा उस सब्जेक्ट को निपटाया, फिर तीसरी बार भी चाहो तो ले सकते हो, 2 या 3 अटेम्प्ट लेने ही हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट, अगर हम फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात करते हैं, रफली तीनों सब्जेक्ट की 11th और 12th एनसीईआरटी सारी मिला दो तो रफली 80-90 चैप्टर्स आएंगे। एम आई राइट और नॉट? रफली जितने भी हैं 5-10 ऊपर नीचे होंगे, और क्या होगा, क्लब कर दो। पॉइंट इज टोटल 180 क्वेश्चन आने हैं, ये पूरी एनसीईआरटी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। कई लोग पूछते हैं, कई स्टूडेंट पूछते हैं कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से ढंग से कर लें, तो बात करने में इंपॉर्टेंट कौन से लगते हैं? रोटेशनल मोशन इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंपॉर्टेंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट इंपॉर्टेंट। मैं एक लाइन बॉटम लाइन कह रहा हूँ, सब ठीक है, इंपॉर्टेंट है। टोटल 180 क्वेश्चंस हैं, जब ये पेपर डिज़ाइन होता है पूरे सिलेबस में से डिज़ाइन होता है, इन 90 चैप्टर्स में ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज हर चैप्टर के 2 क्वेश्चन तुमको मिल जाएंगे, चाहे कोई भी चैप्टर हो। किसी चैप्टर का 1 हो सकता है, किसी दूसरे के 3 हो जाएंगे। पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लो, किसी भी एक चैप्टर के 3 से ज़्यादा क्वेश्चन रेयरली मिलेंगे तुमको, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकते, चाहे वो रोटेशनल मोशन हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो, या काइनेमेटिक्स हो, 1D 2D हो। 1D 2D के भी 3 से ज़्यादा नहीं आएंगे, रोटेशन के भी 3 से ज़्यादा नहीं आएंगे ऑन एन एवरेज। तो सी बात है, अगर मान लो फिजिक्स में मेरे 4 चैप्टर वीक हैं, चाहे वो बड़े हैं छोटे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात करूँ, मेरा तो ये वीक चैप्टर पड़ा है तो इसमें अभी मुझे कम से कम 3 दिन लगाने हैं, तो अगर 4 चैप्टर वीक हैं, छोड़ दो 4 चैप्टर से एक्सट्रीम प्रोबेबिलिटी क्या है, 12 क्वेश्चन आएंगे, अगर हर एक से 3 आए तो, जिसके चांस नहीं होते, तो 180 में से 12 तो छोड़ देता हूँ मैं, बचे में पे हिट करने की कोशिश करता हूँ ना, तो उस टॉपिक के ऊपर क्यों फोकस करें। अगेन आई एम टेलिंग यू 100% इज नॉट इम्पॉर्टेंट। मैंने देखे हैं स्टूडेंट जिनका सिलेबस इनकम्प्लीट होने के बावजूद टॉप 500 में रैंक लेके आए हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेटजी, पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चे ने छोड़ दी नीट से पहले, बिल्कुल खत्म, नहीं पढ़नी मुझे, मेरा टॉपिक पढ़ावा नहीं, उस वक्त बीमार था, सर ने क्लास में पढ़ा दी, और कॉन्फिडेंट है तीनों में से अगर 3-3 आ भी गए तो 9 क्वेश्चन आएंगे, और उस साल केमिकल, आयोनिक और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मिला के कुल 4 क्वेश्चन है। भाई सी बात है, 90 कह रहा हूं मैं, तो बेसिक फाउंडेशन है। अच्छा, इनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें से नहीं आते, ऐसा भी होता है। सो और वो हमको नहीं पता कौन सा चैप्टर है जिससे नहीं आएंगे। थर्मल एक्सपेंशन एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, और थर्मोडायनामिक, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स थोड़ा बड़ा है। थर्मल एक्सपेंशन से 1 या 2 आ सकते हैं, थर्मोडायनामिक्स से भी 2 या 3 आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। कहने को बड़ा और छोटा चैप्टर है, लेकिन किसी भी टॉपिक से ये मान के चलो 3 से ज़्यादा टॉपिक के क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ, कहने की बात होती है भाई फिजिक्स में मैकेनिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, अब मैकेनिक्स में चैप्टर भी तो 8 हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में से आगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अलग कर दो, कैपेसिटेंस भी अलग कर दो, करंट इलेक्ट्रिसिटी अलग, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट अलग, क्लासिकल मैग्नेटिज्म और टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म अलग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अलग, ऑल्टरनेटिंग करंट अलग। मैं तो चैप्टर की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे ग्रुप की सेक्शन की बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मॉडर्न फिजिक्स,
I'm talking about atomic structure, photoelectric effect, X-rays, radioactivity and nuclear reaction. 5 chapter hain. Kisi bhi chapter se ek aayega, do aayega, 3 extreme case mein. To agar kuch weak hai usko chhod do, but estimate kar lo. Ye nahi 60% chapters hi chhod di. मतलब स्ट्रेटजी वही है, बनानी तुमको ये स्ट्रेटजी. मैं सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ, इंडिकेशन दे रहा हूँ कि इस रूम से बाहर निकलो तो उस कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकलो यार, नीट विल बी अ केक वॉक, इसको तो फोड़ के आएंगे, देखते हैं अपन. तैयारी कैसी भी है फिर बता रहा हूँ मैं, फर्क नहीं पड़ता. वी नीड टू स्ट्रेटजाइज आवरसेल्फ, वो इम्पॉर्टेंट है. चैप्टर कोई भी है, इंपॉर्टेंट का कोई फैक्टर नहीं है. हर टॉपिक से आने वाला है क्वेश्चन, और आज कोई गारंटी नहीं दे सकता इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, और कोई गारंटी नहीं दे सकता इस टॉपिक से 3 आ जाएंगे. हर चैप्टर से 1, 2, या 3 में से कुछ भी आ सकता है. तुम तो मैक्सिमम मान के चलो मैंने 5 चैप्टर छोड़ दिए, या फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब मिला के मैंने 12 चैप्टर छोड़ दिए. तो 12 चैप्टर छोड़ दिए इसका मतलब मैक्सिमम 36 क्वेश्चन, लेकिन ऐसा होगा नहीं. इट विल ऑलवेज बी लेस देन 36, क्योंकि ऐसा थोड़ी जो मैंने छोड़े उसी से 3-3 आएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा. उनमें कई ऐसे होंगे जिनमें से एक भी नहीं आएगा, कईयों में से एक आएगा, कई में दो, कई में तीन. तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है. 180 में से अगर हमारे पास 150 क्वेश्चंस का कॉन्फिडेंस है तो 150 पे जान लगा देंगे अपन. मैं फिर बता रहा हूँ, इस वक्त दिमाग में से मेडिकल कॉलेजेस को निकाल दो, इस वक्त पूरा फोकस अपनी स्ट्रेटजी पर लगाओ. लाइफ का एक एग्ज़ाम है अमंग मैनी, तो इस एग्जाम पे अपनी जान लगा के हिट करना है. जो होगा एक्सेप्ट करेंगे, बट जो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए वो क्या है? वो ये नहीं होना चाहिए कि मुझे आती थी चीज़ें फिर भी एग्ज़ाम से बाहर आके हम रिग्रेट कर रहे हैं मेरी आती हुई चीज़ें गलत हो गई. और वो एक ही कंडीशन में गलत होती हैं, अगर आप स्ट्रेस में या प्रेशर में आ जाओगे तो. और रिलैक्स हो तो कभी आपकी आती हुई चीज़ें एग्ज़ाम में गलत नहीं होगी. और स्ट्रेस और प्रेशर सिर्फ एस्पिरेशन से आता है, हाई एम्बिशन से आता है. अब तक एस्पायर होना, एम्बिशन रखना बहुत जरूरी था. ऑल ऑफ यू आर नीट एस्पिरेंट्स, उसी बेसिस में हमने तैयारी करी. लेकिन एग्जाम देने से पहले सब कुछ हटा दो, रिलैक्स होके एज अ कॉमन एग्जाम फाइट करना, और ये सोच के जाना है जो आता है वो सब क्रैक करके फोड़ के आना है बस. और वो एटीट्यूड है, कॉन्फिडेंस है, कोई नहीं रोक सकता. प्रेशर बिल्ड होने ही मत दो, प्रेशर बिल्ड होने दो लास्ट के 20 मिनट में, जब कोई फर्क ही नहीं पड़ता. सारा जो सही करना है वो तो पहले ही कर चुके अपन. और लास्ट में प्रैक्टिकली सोचोगे ना, प्रेशर होता ही नहीं. वो इतनी खटाखट पेन चलते हैं और दिमाग चलता है, लास्ट में प्रेशर नहीं आता, प्रेशर बीच में होता है सब. या तो कईयों का शुरू में बिल्ड हो जाता है या मिड में बिल्ड होता है, लास्ट के आधे घंटे में प्रेशर अपने आप हटता है, लास्ट के आधे घंटे में एक्चुअली प्रेशर नहीं होता. सो एनीवे लेट्स मूव ऑन. दिस वाज द ओवरऑल फैक्टर एनालिसिस व्हिच आई वाज विलिंग टू शेयर. इसी चीज को क्विकली हम ब्रेकअप करके भी शेयर कर लेते हैं. फिजिक्स बात करें तो आउट ऑफ 45 इट इज अ जनरल स्टैटिस्टिक्स फॉर नीट 2018 में ऑल्सो इट इज गोइंग टू होल्ड ट्रू. समवेयर अराउंड 32 क्वेश्चंस वुड बी न्यूमेरिकल विच आर बेस्ड ऑन कैलकुलेशन और डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन, एंड समवेयर अराउंड जो 15 to 18 क्वेश्चन, 13 टू 15 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन होंगे थ्योरी बेस्ड. ये बेसिक थ्योरी, और इन 32 क्वेश्चंस में से समवेयर अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस होते हैं फॉर्मूला बेस्ड, और समवेयर अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस इन्हीं में से होते हैं जिनको आप ये कह सकते हो हॉट्स होते हैं एंड एप्लीकेशन ओरिएंटेड होते हैं, जो जनरली एनसीईआरटी में भी नहीं पाए जाते. कुछ एक ऐसे होते हैं जो एकदम से नए होते हैं. तो ये उन्हीं 25 में से कुछ 8 या 10 क्वेश्चन हैं जिनको फर्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ के अगर किसी स्टूडेंट को क्लिक हो रहा है तो करके आगे बढ़ो, नहीं तो स्किप करो.
डे वन से अगर आज से आने वाले 30 दिन अपने दिमाग में ये चीज़ें बिठा लेंगे, हमको तो ये छोड़ने हैं और बाकी खटाखट करने हैं। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, जितने भी सैंपल पेपर्स मिलेंगे हम लोगों भी आपको BPMS अकाउंट में डालेंगे। अभी सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस यहाँ के मेजर टेस्ट हो रहे हैं, उनमें आप चाहे जो कर लो, कोई भी पेपर एक्चुअल नीड से मैप नहीं हो सकता। वी आर गोइंग टू ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू मैच ऑल द पेपर्स विद एक्चुअल नीट, लेकिन ये पेपर में कुछ भी खराब होने का मतलब कोई गारंटी नहीं है कि नीट खराब हो जाएगा, और ना ही इन पेपर के बहुत अच्छे होने का मतलब ये गारंटी है कि नीट अच्छा हो जाएगा। तो हमको कॉन्शियस रहना है, कॉन्फिडेंस हाई, ये अगर अच्छे हो रहे हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहना चाहिए, बट यू शुड नॉट इग्नोर एनीथिंग। हुई ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है, साल भर अच्छा करते रहे, ऑन द डे ऑफ एग्जाम डिप कर गए। वो फेवरेबल नहीं है। फेवरेबल दूसरे केसेस हैं कि साल भर अच्छा नहीं किया और लास्ट में एकदम से शाइन किया, कि अल्टीमेटली क्या काम आता है, जो जीता वही सिकंदर। फाइनली वो एंड डे ऑफ एग्जाम जो परफॉर्मेंस है वही चीज़ काम आने वाली है, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी। इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को बैलेंस करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। केमिस्ट्री में इफ वी टॉक अबाउट, आउट ऑफ 45 क्वेश्चन समवेयर अराउंड 10-15 क्वेश्चन होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स, ऑलमोस्ट ऑल आर फॉर्मूला बेस्ड। इफ यू आर कीपिंग द फॉर्मूलाज ऑन टिप्स, वेदर इट इज फिजिक्स और इट इज फिजिकल केमिस्ट्री, आप इन क्वेश्चन को जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हैं डायरेक्टली हिट कर सकते हो। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री में अर्ली 2 या 4 क्वेश्चन होते हैं जो थ्योरी बेस्ड होते हैं। बाकी इफ वी टॉक अबाउट ऑर्गेनिक, क्योंकि अगर आप ओवरऑल नंबर ऑफ चैप्टर्स देखोगे तो ऑर्गेनिक के चैप्टर्स ज़्यादा हैं, तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है। मैं फिर बता रहा हूँ, हर बार ये चीज़ देखना मिल जाएगी, इस बार ऑर्गेनिक का वेटेज ज़्यादा था, इस बार इनऑर्गेनिक का वेटेज ज़्यादा था, पैटर्न एनालिसिस कई जगह मिल जाएंगे। बट मैं फिर बता रहा हूँ, फ्रॉम द साइड ऑफ HRD मिनिस्ट्री और CBSE, व्हेन द पेपर्स आर बीइंग डिजाइन, दे ट्राई टू गिव ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज टू ईच एंड एवरी चैप्टर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्रुप्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनी स्पेसिफिक पॉइंट, वेदर इट इज जूओ, बॉटनी और एनी स्पेसिफिक सेक्शन। इट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू फोकस ऑन चैप्टर्स। किसी भी चैप्टर से बियॉन्ड लेवल नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं जाते हैं। हाँ, एक्सेप्शंस हो जाते हैं, कई बार किसी टॉपिक से 4 भी आ जाते हैं, बट रेयरली। पिछले 4 या 5 सालों में मुझे रेयरली किसी एक ही टॉपिक के, मतलब रोटेशन के 4 क्वेश्चन आ गए ऐसे नहीं दिखे, रे ऑप्टिक्स के 4 आ गए ऐसे नहीं दिखे। ऐसा हो सकता है रे ऑप्टिक्स के 2 आ गए, वेव ऑप्टिक्स के 3 आ गए, उनमें एक पोलराइजेशन का होगा, एक डिफ्रैक्शन का होगा, एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का होगा। मेनली वी नीड टू फोकस ऑन द टॉपिक्स और चैप्टर्स इन NCERT टेक्स्ट बुक। सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट द स्ट्रेटजी एंड द फेयर सिचुएशन। ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक के अंदर और इनऑर्गेनिक के अंदर। ओवरऑल इफ वी टॉक अबाउट, hardly in chemistry somewhere around 6-7 questions are there which are not based on NCERT। तो आप इनको hots कह सकते हो। हर बार होते हैं 6 या 7 क्वेश्चन जो डायरेक्ट NCERT बेस्ड नहीं होते, ये थ्योरेटिकली होते हैं क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स नहीं होते। ये 6-7 क्वेश्चंस उसी कैटेगरी के 20-25 की रेंज वाले क्वेश्चन है जो फिजिक्स में हमने यहाँ पे ये लिए थे ऑड्स पर। सो ये वो क्वेश्चन है जिन क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है। पहले से अगर मैं बता रहा हूँ आपके दिमाग में, तो पेपर करते हुए आपको क्वेश्चन पढ़ते स्किप करने की आदत डालनी है, कि जो हमने बात करी थी वो क्वेश्चन जो बिखरे हुए हैं वही हमारा दिमाग पूरा डिस्टर्ब करते हैं। हम उस सिचुएशन से अपने आप को डिस्टर्ब होने से बचाना है। इफ वी टॉक अबाउट बायोलॉजी, ओवरऑल आउट ऑफ 90 क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू, यू कैन रेस्ट अश्योर यूर सेल्फ, आउट ऑफ 90 ऑलमोस्ट ऑल और मोर देन 75 विल बी फ्रॉम NCERT। बी कॉन्फिडेंट,
90 में से 75 से ज्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक की लैंग्वेज से बनते हैं। लैंग्वेज बदल सकती है जिससे तुमको नयापन लग सकता है, बट इफ फंडामेंटली यू आर क्लियर नोबडी कैन स्टॉप यू। लेकिन जो रिमेनिंग 15 है, 10 to 15 क्वेश्चंस, दीज कैन गो बियॉन्ड एनसीईआरटी एज वेल। इन 10 से 15 में 3-4 क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं आपको शायद छोड़ने पड़े, बाउंसर्स हो, ये क्या लिखा हुआ है, कुछ पढ़ा ही नहीं, कभी समझा ही नहीं, ऐसे भी होते हैं। सो ये कभी कोई रैंक डिसाइड नहीं करते, ये वो क्वेश्चन होते हैं बायो के 2 या 3 या 4 जिसकी लैंग्वेज, नॉलेज, सारी चीजों के बावजूद ऑल इंडिया रैंक 1 का भी छूटा हुआ होता है। ऑल इंडिया रैंक 1 के पूरे 720 कभी नहीं आते। अब वो पेपर पे डिपेंड करता है, कई बार ना भी हो, ये मैं एक्सट्रीम कंडीशन शेयर कर रहा हूं आपसे। अगर आपको पता है ये चीजें, और ये वही ब्रेकअप है कुल 20 से 25 क्वेश्चन वाली जो कहानी शुरू में बताई थी, बॉटम लाइन वहीं पे ही है सारी। सो रूल नंबर 1, पेपर को सिंगल अटेम्प्ट में खत्म नहीं करना है, पूरे फ्लो में करना है, फिर दोबारा अटेम्प्ट लेके खींचना है। रूल नंबर 2, क्वेश्चंस करते हुए यू मस्ट बी अवेयर इनफ कि हाँ ये वाला क्वेश्चन मेरा टाइम अभी किल कर सकता है, अभी छोड़ते हैं, बाद में करेंगे, अभी छोड़ेंगे तो बाद का टाइम बचेगा। यू शुड नॉट हेजिटेट इन स्किपिंग द क्वेश्चंस इन बिटवीन। रूल नंबर 3, द बॉटम लाइन इज आपको आखिरी टाइम तक, लास्ट के जो 20-25 मिनट हैं, तब तक अपने आप को स्ट्रेस से बचाना है। 2 से 2.5 घंटे तक अपने ऊपर प्रेशर बिल्ड नहीं होने देना। अगर आज से अपने आप को सोने से पहले समझा के सोते हो रात को कि मैं प्रेशर बिल्ड नहीं होने दूंगा, प्रेशर बिल्ड नहीं होने दूंगी, स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है, इस तरीके से हम कंफर्टेबल रह सकते हैं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। ये हैबिट में लानी बहुत जरूरी है चीज, जो होगा देखा जाएगा, विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट। बस एक चीज हम चाहते हैं, जितनी मेरी नॉलेज है, एग्जाम के रूम से बाहर निकलूं तो फेस पे स्माइल होगी, भाई जो आता है उतना बेस्ट कर दिया, इससे ज्यादा हम तो नहीं कर सकते, बाकी जो कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज द बॉटम लाइन वी वॉन्ट टू अचीव। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो फ्रॉम माई साइड दिस इज एवरीथिंग रिलेटेड टू दी स्ट्रेटजी। इफ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई कैन अश्योर यू नोबडी कैन स्टॉप यू इन अचीविंग योर लेवल बेस्ट विच एक्चुअली यू डिजर्व। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2018। अपने टीचर्स से कनेक्ट करो, सबके साथ डिस्कस करते रहो, चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते रहो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।